पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार थमने के लिए मात्र कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में पंचायत प्रत्याशी भी अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वार्ड 30 से उगता सूरज चुनाव चिन्ह पर जिला पंचायत सदस्य पद पर भाग्य आजमा रहे ठाकुर अशोक कुमार सिंह भी अपने क्षेत्र में जोरों के साथ प्रचार करने में लगे हैं। ठाकुर अशोक कुमार सिंह वार्ड 30 की जनता के दिल में उतर कर जिला पंचायत की कुर्सी पर पहुँचने के हकदार भी साबित हो रहे हैं। ठाकुर अशोक कुमार सिंह का कहना है कि क्षेत्र की जनता के सामने जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का हल जल्द से जल्द कराया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ऐसे में ठाकुर अशोक कुमार सिंह को वार्ड 30 की जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। उनका कहना है कि यदि जनता ने भरोसा किया तो वो क्षेत्र को चमकाने का काम करेंगे। ये हमारा खादर का क्षेत्र है और रामगंगा नदी में बाढ़ आती रहती है, तो यहाँ सड़कों की दुर्दशा बहुत खराब है। काफी लंबे समय से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए भी उप मुख्यमंत्री श्री माननीय को केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी घोषणा कर रखी है, लेकिन पिछले 3 सालों से वो एस्टीमेट भी लंबित पड़े हुए हैं, जिनकी जो है शासन ने मंजूरी दे दी है और उन एस्टीमेट को कोई पीछे करने वाला नहीं है। जो सड़कों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया, टेंडर निकलने के बाद भी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, वो आज तक उखड़ी पड़ी है। पहले बहुत स्थिति खराब थी हमारे क्षेत्र की और अब कुछ समय से जो है सड़कों के निर्माण हुए हैं, लेकिन अब भी दयनीय स्थिति है। ना तो उनकी मरम्मत होती है और ना ही सड़क बन पा रही है, ना ही कोई नए प्रस्ताव, ना कोई यहाँ का जिला पंचायत का प्रत्याशी ऐसा जो है जिला पंचायत सदस्य चुनके जा रहे हैं जो क्षेत्र के विकास के बारे में कुछ जो है प्रस्ताव दे सके। तो कैसा जनता का रुझान आ रहा है आप क्षेत्र में घूमने? क्षेत्र में जनता का रुझान यही है कि जिला पंचायत में और तो कोई काम होता नहीं है, सड़कों के निर्माण और उसकी पुलिया वगैरह के निर्माण की बात होती है, तो वो यहाँ जो चुनके जा रहे हैं वो दूसरे क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं जिन्हें इन क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं है। कोई पंडित नगला से है, कोई बिलारी से है, कोई मुरादाबाद शहर से आ रहा है। यह क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनावी जाता है तो वो जो है वो इन चीजों पे थोड़ा सा कम कभी ध्यान देता है। अच्छा, इसके अलावा क्या अपील करना चाहूंगा? जनता से अपील करना चाहूंगा क्षेत्र के व्यक्ति को चुने, जनप्रतिनिधि बनाए, अपना जिला पंचायत सदस्य बनाए जो अपने क्षेत्र के दुख दर्द के बारे में इसे पूर्णतः जानकारी हो और जो विकास कार्य कर सके। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।